राजस्थानचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी आता उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्याचं समजतं आहे. उद्धव ठाकरे सत्यपाल मलिक यांच्यात इंडिया आघाडीसोबतच इतर राजकीय विषयांवर चर्चा पार पडली. सत्यपाल मलिक यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्याचं सध्या समजतं आहे. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नक्की येणाऱ्या काळात काय घडणार आहे या भेटीचे नक्की अर्थ काय आहेत जाणून घेऊया आपल्यासोबत. पुढारी न्यूजची बातचीत करण्यासाठी खास सत्यपाल मलिक आपल्यासोबत आहेत. सर, पुढारी न्यूजवरती आपलं स्वागत आहे. उद्धवजीसे आपने मुलाकात की, क्या बातें हैं जो उद्धवजी ने आपको कही, क्या बात हुई आपकी उनसे? शिष्टाचार भेंट थी मेरी तो, पर मैंने उनको ये बताया कि आपका हरियाणा के साथ एक इलेक्शन होना था, लेकिन दिल्ली डरी हुई थी कि हम हार जाएंगे महाराष्ट्र, इसलिए इसको डिले किया, लेकिन ये जब भी होगा आप जीतेंगे. उद्धव जी ने आपको क्या कहा? महाराष्ट्र की राजनीति की सरगर्मियां तेज हो रही है, महाराष्ट्र में चुनाव आने जा रहा है, क्या कहा उद्धव जी ने आपको? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो हम कहा हमारा जो कोई मेहमान के लिए करता है, क्या लेंगे, क्या खाएंगे, चाय पियेंगे वगैरह, और उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात अपनी तरफ से नहीं की. मैंने कहा कि मैं आपके लिए कैंपेन में आऊँगा और आप विजयी होंगे तो आपकी होंगे तो नहीं विजयी होंगे और मैं आपकी जो विजय की रैली होगी उसमें भी आऊँगा. क्या महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में आपको दिख रहा है? चुनाव है, बीजेपी और शिवसेना दोनों सामने सामने है, क्या नतीजे रहेंगे ऐसा आपको लगता है? बीजेपी हारेगी 100%. क्या महाराष्ट्र की बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है आप खुश हो महाराष्ट्र में जिस तरीके? उनके कहीं के भी काम से खुश नहीं हूं. सर, आपने जो पुलवामा की बात कही थी, इस बारे में आप अभी क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हर बार कोई नई चीज सामने लाई जाती है, कोई नया रेफरेंस सामने लाया जाता है. पुलवामा तो इनकी लापरवाही से हुआ. मैंने उसी दिन कहा था पीएम को कि हमारी गलती से हुआ. उन्होंने मुझे कहा तुम चुप रहो, इस पे अभी बोलो मत. पुलवामा में सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे एक दिन के लिए, जो दिल्ली में किराए पे मिलते हैं. 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही, मना कर दिया और फिर वो सड़क से गए. और सड़क मार्ग में भी जहां वो मिलती थी लिंक रोड, वो कोई मैंड नहीं थी, कहीं कोई रुकावट नहीं थी. वो सिर्फ हमारी लापरवाही से हमारे जवान मरे और आज तक उसकी जाँच नहीं हुई. मैं फिर डिमांड करता हूँ कि उसकी जाँच होनी चाहिए. क्यों जांच हो नहीं रही? आप लगातार इस मुद्दे को सामने रख रहे हैं. ये नहीं हो रही कि ये जिम्मेवार है, इनका होम मिनिस्टर जिम्मेवार है, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेवार है. धन्यवाद जी. तो हे होते सत्यपाल मलिक, त्यांनी नुकतीच उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चा केली. मात्र पुलवामाच्या मुद्द्यावरती ते अजूनही ठाम आहेत, चौकशी होत नाही आहे, ती झाली पाहिजे या मागणीवरती सुद्धा ते ठाम आहेत. कॅमेरा पर्सन नागेश सोत, पंकज दळवी, पुढारी न्यूज, मुंबई.